Hello everyone, today we will discuss about your last one act play The Sleepwalkers by Nizam Ezekiel. ये आपका आखिरी one act play है और आज हम इसकी summary करेंगे. The Sleepwalkers by Nizam Ezekiel. First of all about the playwright. Nizam Ezekiel was a Marathi speaking Indian Jewish poet, playwright, editor and art critic. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1983. For his poetry collection Latter Day Psalms. Nizam Ezekiel Indian writer हैं और महाराष्ट्र से हैं, एक यहूदी परिवार से संबंध रखते हैं. ये poet, playwright, editor और art critic हैं. इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में मिला और जो इनकी poetry collection था Latter Day Psalms, that was about the playwright Nizam Ezekiel and the lifespan of Nizam Ezekiel is 1924 से 2004 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी डेथ हुई. Now we will discuss about the play of the summary of that play. First of all we discuss about the characters of this play. We have eight characters in that play. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर वेस्ट एक अमेरिकी अधिकारी हैं, मिसेज वेस्ट उनकी पत्नी हैं. मिस्टर एडवर्ड मॉरिस एक अमेरिकी पत्रिका का संपादक और प्रकाशक हैं. मिसेज ओल्गा एडवर्ड उनकी पत्नी हैं. मिस्टर एंड मिसेज मॉरिस के लिए एक सभा आयोजित की जा रही है और उनके स्वागत के लिए बहुत सारे जो इंडियन मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन, उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं. उनके वो भी हैं इनमें उनके. थर्ड है मिस्टर रमन एक पत्रकार जो अंग्रेजी में लिखता है और मिसेज रमन उनकी पत्नी. फोर प्रोफेसर शाह गुजराती भाषा में कविताएं लिखा करता था किंतु अब एक समीक्षक एक कमेंटेटर बन गया है. एंड मिसेज शाह ये सब मिसेज मिस्टर मॉरिस और मिसेज मॉरिस का स्वागत करने के लिए आए हैं. फिफ्थ मिस्टर कपूर एक संपादक हैं एंड मिसेज कपूर. सिक्स्थ मिस्टर वर्मा कवि और लघु कथा लेखक हैं. सेवन मिस गांगुली एक बंगाली नाटककार हैं. एट अ वेटर मेहमानों के लिए जलपान की सेवा करने वाला व्यक्ति. दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्ले. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दैट प्ले. दिस प्ले हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए फार्स. ये प्ले एक फार्स के तौर पर लिखा गया. फार्स एक टाइप ऑफ प्ले, एक हास्य पद, एक मजाकिया तौर पर लिखा गया होता है लेकिन असल में इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यंग्य करना होता है किसी भी समाज पर, किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी व्यक्ति पर. उसे हम फार्स कहते हैं. इट इज मीन टू सैटराइज द सो कॉल्ड लिबरल मॉडर्न एंड एजुकेटेड मैन एंड वीमेन ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया. सो कॉल्ड मीन तथाकथित और प्रोग्रेसिव इंडिया उन्नतिशील भारत. और इस नाटक में तथाकथित जो भारत के लोग हैं, जो लिबरल उदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आधुनिक भारत में रहते हैं और उन्नतिशील पढ़े लिखे हैं उन्नतिशील भारत में जो रहते हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है. द प्ले एक्सपोज द होलोनेस एंड शैलोनेस ऑफ द सो कॉल्ड इलीट क्लासेस ऑफ टूडे who still look to the Americans or other Westerners for guidance and help. Expose means pardafash karna. Shallowness means satahi, bilkul ground level par. Aur ye natak bhartiya samaj ke upar jo padhe likhe buddhijeevi hain, aadhanik bhart mein jo log rehte hain, aadhanik bhart ke jo log hain, padhe likhe udar vyakti, unke khokhlepan par, unke satahi, unke जीवन पर तथाकथित जो ये पढ़े लिखे जो अमीर व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये कटाक्ष किया गया है, पर्दाफाश करता है जो अभी भी अमेरिका की तरफ ही देखते हैं और अदर जो पश्चिमी लोगों की तरफ देखते हैं वो अपने गाइडेंस के लिए और सहायता के लिए. दे कंसीडर द वाइट स्किन पीपल टू बी देयर सुपीरियर्स इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इकोनॉमिकली. और वो आज भी ये मानते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो इंडिया भारत के लोगों से सुपीरियर हैं, आगे हैं, चाहे वो
बौद्धिक तौर पर हो या फिर आर्थिक तौर पर हो। द प्ले प्रोवाइड्स हेल्दी सोशल क्रिटिसिज्म विद सटल टच्स ऑफ आयरनी एंड सैटायर। और इस नाटक में सामाजिक व्यंग्य तो है ही है और साथ में इसमें एक विडंबना और एक व्यंग्य भी किया गया भारतीय समाज के पढ़े लिखे लोगों पर। द प्ले बिगिंस विद द लाइन, नाटक शुरू होता है इस लाइन के साथ, गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन्स, कि हमें हर रोज की तरह एक अमेरिकी व्यक्ति दीजिए। इट इज ए पैरोडी ऑफ द लाइन फ्रॉम द बाइबल, गिव अस दिस डे आर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव आवर सिंस। पैरोडी होता है किसी चीज की नकल करना, और ये लाइन बाइबल से ली गई है, बाइबल में ऐसे लिखा गया है, गिव अस दिस डे आर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव आवर सिंस। बाइबल में लिखा गया कि हमें रोजमर्रा के लिए हे भगवान रोटी दीजिए और हमारे पापों को माफ कर दीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि हमें हर रोज की तरह अमेरिकन व्यक्ति दीजिए। बट हेयर इन दिस प्ले वट द सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स प्रे फॉर हिज एनीथिंग अमेरिकन इवन विदाउट नोइंग वट दैट थिंग इज और कैन बी अमेरिकन टाउन प्लानर, अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट, अमेरिकन एजुकेशनल एडवाइजर, अमेरिकन टेक्सटाइल डिजाइन डायरेक्टर एंड वट नॉट। लेकिन इस नाटक में भारतीय जो लोग हैं हर चीज जो अमेरिका में बनी है वो चाहते हैं, वो बगैर इसके जाने कि वो क्या है और किस तरह हो सकती है, चाहे वो अमेरिकन टाउन प्लानर है, ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट है, एजुकेशन एडवाइजर है, अमेरिकन टेक्सटाइल डिजाइनर है और न जाने क्या क्या, हर चीज वो अमेरिका की चाहते हैं, पश्चिमी देशों की चाहते हैं। दे प्रे फॉर इवन द अमेरिकन सनशाइन एंड अमेरिकन एयर एज इफ दे वर नॉट सेटिस्फाइड इवन विद द एयर एंड सनशाइन ऑफ देयर ओन लैंड। और वो धूप भी अमेरिका की ही चाहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने देश की धूप से भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अमेरिका की जो धूप है और हवा भी अमेरिका की चाहते हैं, इससे ऐसे लगता है कि जैसे वो भारत की धूप और हवा से भी संतुष्ट नहीं है। Thus, in the very beginning of his play, the playwright makes it abundantly clear what a sarcastic picture the Indian mind he is going to present before us abundantly. पूरी तरह से शुरू में ही नाटककार हमें बता देता है, पूरी तरह से ये साफ कर देता है कि किस तरह भारतीय दिमाग पर, भारतीय सोच पर अमेरिका के पश्चिमी देशों की छाप पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक व्यंग्य किया गया कि किस तरह भारत की तस्वीर उभर कर आती है। All the characters in the play, including the American visitors, are shown to be farcical not only in their action but in their thought also. इसमें जितने भी characters हैं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, वो सारे ही, चाहे उसमें American visitors हैं, अमेरिका से आने वाले लोग हैं, वो भी एक farcical, एक हास्यपद दिखाए गए हैं, न केवल उनके कार्यों में बल्कि उनके विचारों में भी। The American visitor himself admits that American प्रेफर टू बी बिलो थॉट सोच विचार को पसंद न करना, बल्कि अमेरिकन जो विजिटर्स हैं, जो अमेरिका से आते हैं अमेरिकन लोग, वो ये मानते हैं कि वे ज्यादा सोच विचार वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। एंड लुक एट द एलीट इंडियंस, दूसरी तरफ भारतीय लोगों को देखिए, पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों को देखिए, आधुनिक लोगों को देखिए, हु प्रेफर टू हैव एज देयर आइडल दीज बिलो थॉट पीपल, जो लोग ज्यादा सोच विचार वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं, अमेरिका अमेरिकन लोग, इंडिया वाले उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। और ये इस नाटक में बखूबी निजी म्यूजिकल के द्वारा दिखाया गया है। दैट वाज द समरी ऑफ योर लास्ट वन एक्ट प्ले द स्लीप वॉकर्स बाय निजी म्यूजिकल।